सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में क्या लिखा है ये जानना है। मैं पहले आपके अंदर की बातों को जनवाने का प्रयास करता हूँ। सो दूसरे समुल्लास में संतानों की शिक्षा का महर्षि वर्णन करते हैं कि संतानों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि माता पिता आचार्य प्रथम तीन शिक्षक ही क्यों कहे गए हैं। फूफा भी तो हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, बुआ भी हो सकती है, ठीक है ना। घर में तो और भी मेंबर रहते हैं, ताई भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, लेकिन माता पिता आचार्य प्रथम तीन शिक्षक ही क्यों माने गए हैं। माता संतान का निर्माण करने में प्रमुख भूमिका क्यों निभाती है। फिर संतान की जन्म से लेकर विद्यालय भेजने तक की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार की, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल भेज दिया, यहाँ रोज परेशान करता था, रोता था और कुछ न कुछ हमें परेशान करता था, ना हमें व्हाट्सएप देखने देता था, ना फेसबुक चलाने देता था, ना खाना खाने देता था, सो हमें चलो झंझट करा दो घंटे के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ऐसा नहीं है। किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। 5 वर्ष तक पुत्र और पुत्री को किस प्रकार की शिक्षा दे। जब वो 5 वर्ष तक का हो तब, 8 वर्ष का हो तब कौन सी शिक्षा का समय। ऐसा ना हो कि 10 वर्ष वाली बातें उसे हम 5 वर्ष के भीतर ही बता रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। या हम जब 10 साल का हो रहा है तब हम वो उसे 5 साल की शिक्षा दे रहे हैं, या वो 22 साल का हो गया है तब हम 5 साल वाली 10 साल वाली उसे बात बता रहे हैं, उसके दिमाग में नहीं जाएंगी, वो नहीं जाएंगी, क्योंकि तब तक डिवाइस जैसे जैसे भरती चली जाती है ना, उसका स्पेस भरता जाता है। बड़ी साइंस है इसके पीछे। सुसभ्य सुसंस्कृत पराक्रमी दीर्घायु संतान किस प्रकार बन सकती है, ये दूसरे समोल्लास में लिखा है उन्होंने। संतानों को माता पिता गुरु आचार्य अतिथि विद्वान राजा रिश्तेदारों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। कहते नहीं बेटा बेटा इधर आओ, ये अंकल आ गए। अब बेटा आ ही नहीं रहा है और आ गया है तो फिर वो मुंह बनाए खड़ा है। अब हम चाह रहे हैं कि वो इनके चरण स्पर्श करे, इनसे नमस्ते करे, प्रणाम करे, लेकिन वो नहीं कर रहा है। हम उस समय अच्छा महसूस नहीं करते और डांटते भी हैं। और कभी कभी मैंने देखा है कि बच्चों का सिर पकड़ के भी, छोटे बच्चों का, कहते हैं पैर छू पैर छू। अरे ऐसे उसके सामने थोड़ी सिखाया जाएगा कि पैर छू। ये तो संस्कार आपको किस उम्र में डालना है, 2 वर्ष में डालना है, 3 वर्ष में क्या सिखाना है। आप 10 वर्ष की बात को 2 वर्ष में नहीं सिखा सकते, और 2 साल की जब उम्र है तब 10 वर्ष पर जाके सिखाओगे, नहीं सीखेगा। तो ये सिलेबस है, संतान निर्माण का सिलेबस नोट कर लो। संतान निर्माण का भी सिलेबस होता है जैसे हर चीज का होता है। तो संतानों को किस प्रकार की शिक्षा दें कि वे किसी धूर्त के बहकावे में ना आवे। संतानों को किस प्रकार की शिक्षा दें कि किसी धूर्त के बहकावे में ना बहक जाते हैं ना, और हमें चिंता रहती है कि हमारी संतान कहीं बहक ना जाए, किसी के बहकावे में ना जाए। तो उसे क्या चीज ऐसी बतानी है जो जीवन पर्यंत किसी के बहकावे में ना आए, क्या सूत्र उसको देने। औषध का प्रयोग कब किया जाता है, क्या जन्म पत्र शोक पत्र है, ये महर्षि लिखते हैं इस बात को। ग्रह आदि जड़ जगत से हमारे मानवीय जीवन को सुख दुख क्यों नहीं लगते, यानी जो ग्रह हमारे खराब हो जाते हैं, हमारे बृहस्पति खराब हो गई है या चंद्रमा अच्छा हो गया है, शनि की दिशा खराब है, इनका कितना प्रभाव मानव के जीवन पर पर्सनली पड़ता है, ये दूसरे समोल्लास में ऋषि ने लिखा है। सो आपको पढ़ना चाहिए। किसी के घर में यदि ग्रहों का प्रकोप आए दिन रहता है, शनिचर की 7:30 रहती है, तो इसका जरूर किसी अच्छे विद्वान से, जो सत्यार्थ प्रकाश का अच्छा वेक्ता हो, वक्ता हो, उससे जरूर करें और स्वयं भी पढ़ें। कल ओमपाल जी और उनकी पत्नी ने ऑनलाइन इसे मंगाया है, कल उनका फोन आया, सर आ गया है, मैं किस प्रकार से प्रारंभ करूं। बहुत लोग फोन कर रहे हैं मुझे,
मंगा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं जो पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं साहब बिल्कुल जीवन ही बदलता चला जा रहा है हमारा। ज्योतिष विज्ञान कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक यानी कि क्या उसमें गलत है और क्या सही है। ज्योतिष पर हम बहुत भरोसा करते हैं। क्या सही है उसमें, क्या गलत है, कितना, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें 2-4% मिलावट कर दी गई हो, ये भी तो संभव है ना। वो कौन सी मिलावट हो सकती है और सही भी है, उसे नकार भी नहीं सकते क्योंकि चंद्र ग्रहण होना ही है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता ही है, ऋतुएं बदलती हैं, सो इनके प्रभाव तो होते हैं। इनको क्या, नमस्ते ही का प्रयोग हमें अभिवादन में क्यों करना चाहिए, राधे राधे, सीता राम, जय श्री राम, और ये सब सलाम अलैकुम, और ये सब, ये जितने अन्य अभिवादन हैं उनमें नमस्ते सर्वोत्तम क्यों है, इसका वास्तविक सार क्या है, क्या ये 3 शब्दों का ही है या इसके अंदर और भी भावना होती हैं, ये भी इसी में दूसरे समोल्लास में शिक्षा के विषय में बताया गया है। संतानों को लाड़न के साथ साथ ताड़ने का भी कहां कहां पर विधान है, कहां पर ताड़न करना चाहिए, कहां पर लाड़न करना चाहिए, संतानों का यज्ञोपवीत संस्कार कब कराना चाहिए, कैसे ब्रह्मचर्य के माध्यम से आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ाकर सुख की प्राप्ति संतान कर सकती है, ये भी बताया है। मंत्र तंत्र यंत्र का आपसी संबंध क्या है, ये दूसरे समलास में ऋषि लिखते हैं। क्या ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त आज से कुछ होता है, ये भी बताया है। बुद्धि नाशक मादक द्रव्य शरीर को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं, ये डिटेल बताया है। कौन कौन से पदार्थ हैं जो बुद्धि के लिए नुकसानदायक हैं और किस तरह से, हम नहीं जानते, एक छोटे बच्चे को सांप पकड़ा दो वो पकड़ लेगा, लेकिन उसके अंदर क्या है आपको मालूम है, क्योंकि आपने उसके गुण धर्म सांप के पढ़े हैं, इसलिए मालूम है कि ये इसको काट सकता है और नुकसान हो सकता है। बुद्धि नाशक मादक द्रव्य पहले तो कौन कौन से ये पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये हानि किस प्रकार पहुंचाते हैं ये भी पता होना चाहिए। 5 बोतल मध्य, 5 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र के स्थान पर 5 जूते, डंडे, थप्पड़, लातें कब मारनी चाहिए जिससे कि वो भूत प्रेत और शीतला आदि विभिन्न प्रकार के देवी देवता जिनके नाम से लोग ठगते हैं वो भाग जाए, ये कब करना चाहिए, हमेशा नहीं, कब करना चाहिए, इसका समय और मुहूर्त ऋषि ने लिखा है उसमें, ठीक है ना। स्थिति भी बताई है। बच्चों की स्मरण शक्ति में वृद्धि किस प्रकार हो सकती है और वेद मंत्र कंठस्थ करने का क्या नियम है, नियम अचानक ऐसे नहीं होता है, नहीं तो भूल जाओगे। अपनी संतानों को शिक्षा व विद्या प्राप्त न कराने वाले माता पिता राजकीय प्रणाली के अंतर्गत, राजाज्ञा के अंतर्गत दंडनीय कब और क्यों होने चाहिए, जो बच्चे ऋषि लिखते हैं उसमें, जो 7 बजे से लेके 9 बजे तक या 10 बजे तक गली में और किसी घर में ये बच्चा 5 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक का मिलता है, तो सरकार उसको दंड दे, उसके माता पिता को जेल में बंद करे, कठोर कारावास करे, क्योंकि वह समय उन बच्चों का, यदि रोगी है तो छोड़ दो उस दिन, नहीं तो यदि रोज बच्चे उस समय घर पर मिलते हैं तो वो दंडनीय अपराध है, क्योंकि संतान यदि पढ़ेगी, बच्चे पढ़ेंगे तभी मेरा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, जो राजाज्ञा होनी चाहिए, यह ऐसी सर्वे होनी चाहिए, ये ऋषि लिखते हैं। खाना पीना सोना लेटना बैठना आदि के नियम क्या क्या है, ये दूसरे समोल्लास में लिखा है। चोरी जारी मिथ्या भाषणादि कर्म मृत्यु तथा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हैं,
चोरी जानते हैं लोग, जारी नहीं जानते कि जारी क्या है। सो ये आप उसमें जब देखेंगे तो पढ़ेंगे। सो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और इसको